नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो किसान भाइयों, जो कि हम आपको पता ही है कि हम नए नए एप्पल वैराइटीज़ पर ट्रायल करते रहते हैं और उसमें से हमने पहले अपडेट भी दिया है कि हम फ्यूजी पर भी ट्राई कर रहे हैं। तो फ्यूजी जो एप्पल की वैराइटी है बहुत ही अच्छी वैराइटी है और ये लो टू मिड चिल की रेंज में आती है। तो दोस्तों, इस पर अब रिज़ल्ट आने लगने शुरू हो चुके हैं और इसमें जो पहला हमारा जो फ्लावरिंग बंच है वो आना शुरू हो चुका है। दोस्तों, फ्यूजी एक टिप बियरर वैरायटी टाइप बोल सकते हैं इसको। इस बार हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी ये देखने के लिए कि जल्द से जल्द हमें इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल सके, तो इसलिए हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी टिप्स को। अगर हम टिप को प्रूनिंग कर देते तो शायद इसमें फ्लावरिंग नहीं आ पाती। तो एक साल के पौधे में फ्लावरिंग आना बहुत ही कम चांस रहता है। जिस तरह से हर वीडियो में हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा आशा भी रहता है कि आप वीडियोस को लाइक करेंगे जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, उसी प्रकार से जो नए नए एप्पल के वैराइटीज़ हैं उसमें अगर फ्लावरिंग आना शुरू होती है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम और भी नई नई वैराइटीज़ पर, जो लो चिल वैराइटीज़ हैं या मिड रेंज की वैराइटीज़ हैं, उस पर ट्रायल करें और उस पर जो भी रिज़ल्ट आएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपके साथ साझा करें, ताकि आपको एक अच्छा एप्पल फार्मिंग करने के लिए आपको एक अच्छी समझ विकसित हो सके। आप जब भी कोई भी एप्पल की वैरायटी को लगाते हैं या उसका चुनाव करते हैं तो आपको उससे पहले जो उस एप्पल का टाइप है उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, जैसे कि ये स्पर टाइप है या सेमी स्पर टाइप है या टिप बियरर वैरायटी है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एप्पल की वैरायटीज़ हैं जिनकी की टिप पर उसके एप्पल लगते हैं, जैसे अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, ट्रॉपिक स्वीट, ये सारे टिप बियरर तो हैं ही, साथ ही ये स्पर टाइप भी हैं, क्योंकि इसमें स्पर में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है और अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो टिप्स पर भी फ्लावरिंग अच्छी आती है। लेकिन जैसे गाला हो गया, बहुत सारे वैरायटी के टाइप हैं, और फ्यूजी हो गया, इनमें क्या है कि जो स्पर बहुत ही मेहनत से बनते हैं या फिर कम बनते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर टाइप की जो वैरायटीज़ होती हैं, तो इनकी अगर हम टिप्स को प्रून कर देंगे तो इसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कम होने शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अगर इस पर आप फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इसको टिप को बचा कर रखें जब भी आप प्रूनिंग करते हैं। हाँ, एक अच्छा मैनेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी टिप्स को आप रख दिए हैं, मतलब मेरे बोलने का अर्थ यह है कि इतना फ्रूटिंग आना चाहिए, आपको एक अंदाज़ा रहे कि हाँ इतने टिप्स को रखना है और इतने को प्रून करना है अगले साल के लिए। तो किसान भाइयों, हम और भी बहुत सारी जो नई नई एप्पल की वैराइटीज़ है उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर भी जो भी रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहेगा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेटिंग करें, ताकि हम जब भी यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।